नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। जनता के विकास के लिए नगर पालिका में अभी भी हो रहा भेदभाव। नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद ओमकार करचुली ने कहा कि विकास कोई कमी नहीं, वही समाज से भी। कन्हैया टेंट हाउस के संचालक रोहन सिंह चौहान द्वारा कहा गया कि जनता के विकास के लिए हम लोग समाज सेवा में रहते हैं तत्पर। इसके साथ भाजपा नेता सुरेश सिंह चौहान अमरवाह एवं कांग्रेसी नेता जय सिंह राजू तुमने क्या कहा, सुनील पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। नगर पालिका सरकार कांग्रेस की है। आज विकास के लिए कांग्रेस की एक बड़ी बात आई है सामने। उपाध्यक्ष को नगर पालिका व्यायामशाला में कुर्सी नसीब नहीं हुई, क्या कहेंगे? नगर पालिका माननीय जगन्नाथ जी को नमस्कार। आपके माध्यम से नगर पालिका के तमाम आवाम को मेरा सादर प्रणाम। आपने कुर्सी की खींचातानी की बात कही है। यद्यपि हमारा कोई सरोकार है नहीं इन सब बातों पे, और उस दंगल के कार्यक्रम में मैं गया भी हूँ, और इस बात से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, कोई मुझे जानकारी नहीं। एक बड़ा फैसला हुआ है कांग्रेस सरकार में, सॉरी कांग्रेस नेताओं में, जिसमें कमलेश्वर पटेल जी का कद बढ़ा है, राहुल भैया को वजूद नहीं मिला, क्या कहेंगे? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। समय समय पर क्या कांग्रेस की रणनीति है, यद्यपि हमें कुछ कहना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन जो उनका समय होगा, जगह होगी, उनको भी मिलेगी। समय आने पर माननीय कमलेश्वर जी को हमारे सीधी जिले में कांग्रेस ने पद दिया है, तो उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ उनको। नगर पालिका में विकास को लेकर जैसे पहले आप ने बताया, इसके बाद विकास के लिए क्या दिख रहा है, कुछ विकास हुआ? यद्यपि नगर पंचायत और नगर पालिका सरकार के साथ अगर नगर पालिका होती है तो उसके विकास में गति दिखती है। अगर हम सरकार में भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता है और नगर पालिका कांग्रेस बैठी हुई है, तो निश्चित विकास में कुछ न कुछ अवरुद्धाते हैं। यद्यपि जो भी कार्य हो रही परिषद कर रही है तो अच्छा है, और वो आने वाले राजनीतिक रूप से जिले में सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी हूँ, क्या लगता है नगर के विकास के लिए कांग्रेस की कोई विशेष योजना अभी तक नहीं लागू की गई है? जो योजनाएं थी, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे कोई भी योजना है, वो अभी बहुत कछुआ गत से चल रही है, क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है जगन्नाथ जी कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो योजना यहाँ आनी चाहिए वो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में दे नहीं रही है, बजट दे नहीं रही है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय बैठी हैं यहाँ, जो हमारे पार्षद हैं, सब मिल के कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के विकास में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो यहाँ के विधायक और सांसद हैं वो सीधी के विकास नगर पालिका में होने नहीं देने चाहते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मेरी सरकार जिस दिन बनेगी, वो सीएमओ इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मेरे पार्षद पूरे काम कर रहे हैं, बशर्ते यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है बजट दे नहीं रही है, तो विकास नगर का किस। अभी कांग्रेस के पार्षद ही भाई साहब ने बोले कि विकास खूब हो रहा है। नहीं, विकास जो होना था तो हो रहा है, जो बजट आ रहा है। अब जब बजट नहीं है तो विकास कहाँ से हो। अब मेरा कहने का मतलब सीधा है कि सीएमओ जो है तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, कि अब जिस दिन मेरी सरकार मध्य प्रदेश में 2023 में बनेगी। सबसे बड़ी बात है नए बस स्टैंड, जहाँ से 5 करोड़ का मुनाफा हो सकता था, टेंडर हो जाती दुकानों की, या इसके लिए मुख्यमंत्री ने उद्घाटन दिसंबर में किए, आज तक टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हो पाई, क्या वजह मानते? देखिए क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह
कोने कोने में अपना नाम लिखाना चाहती है, नाम लिखा के सर नगर पालिका, नगर पालिका टेंडर क्यों नहीं की? नगर पालिका टेंडर मुनाफा होता नहीं, नहीं, समय आने पे नगर पालिका टेंडर करेगी जो उचित होगा, तो जो उचित होगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप में यहाँ जनता की सेवा के लिए आपका एक विशेष योगदान माना जाता है, और हरदम देखता भी हूँ जनता के हितों के लिए, कल्याण के लिए आपका विशेष अभियान रहता है। वर्तमान में आप पार्टी बात से हट के मैं बात कर रहा हूँ, नगर पालिका हो या जिले के व्यवस्था को लेकर आपकी क्या अपेक्षा है? सबसे पहले तो मैं रोहन सिंह चौहान पैडिया सिंह जी जगन्नाथ पंडित जी को पहले ही प्रणाम करता हूँ, और सब जो देखने वाले हैं उनको भी सबको प्रणाम करता हूँ। नगर पालिका और सीधे जिले के विकास के लिए तो मेरे मन में बहुत सारी सोच है, पर कितना होगा कितना किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं है। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ जो अपना नगर है, नगर में जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं रोड बहुत सकरी है, वो रोड मैं चाहता हूँ कि सब कम से कम 20 फीट हो जाए चौड़ी, और नाली हो जाए बढ़िया। उसमें सबसे ज़्यादा रोड के कारण लोगों को आगे चल के अभी भी दिक्कत हो रही है, आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जो कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, गाड़ी यहाँ तक कि लोग पार्किंग तक की जगह नहीं मिल पा रही। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं भविष्य को लेकर, यह कार्य योजना बननी चाहिए नगर पालिका को, इसके लिए आपके आप साधुवाद की बात हैं, भविष्य को लेकर यह बिल्कुल योजना बननी चाहिए। इसके साथ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का उद्घाटन होने के बाद क्यों नहीं शुरू हुआ? हम किसी राजनीतिक बात मंच से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी इसके बारे में तो जानकारी नहीं है पंडित जी मुझे, पर यह है कि ये सब चीज़ रूपरेखा बना के नगर पालिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है जो बना हुआ है, सब्जी मंडी बननी है, अभी मेडिकल कॉलेज आया है, इसका पूरा प्लान बना के किया जाए जैसे बड़े शहरों में किया जाता है। नगर पालिका उस तरह से पूरा एक स्मार्ट सिटी का तो है ही, पूरा प्लान बना के और फिर उस तरह से करें, और उसमें सब लोग सहयोग भी करें, पार्षद से लेके और भी लोग जो हैं, जो सब लोग यहाँ रहवासी हैं। आपके पिताजी जी हमारे परम आदरणीय हैं कन्हैया सिंह दादा जी, उनका एक सोच रहती थी जिले का विकास हो, अच्छा सिटी विकसित हो, उसके तहत आपने भी युवाओं की एक टोली तैयार किए हैं, उस पर अभियान तो है, लेकिन कहीं कहीं आप भी संकोच करते होंगे, लेकिन विकास के लिए आपकी अलग सोच है, क्या कहेंगे? विकास के लिए मेरी सोच है और मेरे साथ साथ सबकी सोच रहनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा रहता है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा रहता है। जैसे मैं एक चाहता हूँ कि जो सीधी से रीवा रोड गई और जितनी भी रोडें कंक्रीट बनी हुई हैं तो उसमें डामर चढ़ जाए, तो रोड भी आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो और बढ़िया प्लेन हो जाए रोड। जैसे सीधी से रीवा जो है तो रोड बहुत ऐसे उबड़ खाबड़, ये सब चीज़ें हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। आपने कुछ दिन पहले किसी संघ में जुड़े थे, वर्तमान में हम नहीं कह सकते कि जुड़े हैं नहीं, लेकिन जनता के हितों के लिए आपका सदैव संघर्ष अभियान लगातार, और आपके यहाँ हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग आते हैं, यह एक बड़ी योगदान मानी जाती है। फिर भी आप यह सोचते होंगे कि सबके साथ हम रहते हैं लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? सब लोग चाहते हैं, अब कोई पावर में जो रहता है, जिसके पावर में मतलब जो करवा सकते हैं, जो नेता हैं जिनके माध्यम से हो सकता है, उनको ये सोचना पड़ेगा, उन्हीं के उससे हो सकता है, सोचना तो सब सोचते हैं कि हो जाए, पर करवाना, रूपरेखा तैयार करवाना और ये सब चीज़ें, ये सब उनके उसमें। चलिए ठीक, धन्यवाद। विपक्ष के कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं पूनम सोनी के अलावा, विपक्ष है कौन? पार्षद विपक्ष में है ही नहीं। नहीं, पार्षद विपक्ष में नहीं है, सब हमारी सरकार है, सत्ता की सरकार है, कांग्रेस का बहुमत है, और कोई विपक्ष है ही नहीं। तो फिर सत्ता है इसके बाद भी विकास क्यों नहीं हो रहा है? आप अभी यहीं पे जाइए पेंसिल के पीछे,
बज बजाती नालियां दिख रही हैं बहुत जल्दी। अभी तो एक साल हम लोग के हुए हैं, काफ़ी 10 साल में जो भ्रष्टाचारी सरकार बैठी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। एक बड़ी बात आपने बोले हैं, 10 साल जी सत्ता के सरकार जी, जिसमें नगर पालिका में देवेंद्र सिंह मुन्नू जी थे जी, वो आज कांग्रेस में हैं, क्या उनको उनकी कमी मानते हैं? व्यक्तिगत मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यक्ति की सरकार थी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों पार्टी को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार थी और काफ़ी लूट। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे आज आपके पार्टी में शामिल हुए, उनके क्या कमी मानते हैं? कुछ कमी नहीं, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। चलिए ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।